हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, कल के लेक्चर के अंदर हमने कुछ किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था, जैसे कि टू किंगडम सिस्टम आया, थ्री किंगडम सिस्टम आया, फोर किंगडम सिस्टम आया एंड एंड में फाइव किंगडम सिस्टम आया। फाइव किंगडम सिस्टम दिया था साइंटिस्ट आर एच विटेकर ने एंड उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिए थे जिनके बेसिस पे उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स के अंदर प्लेस किया था। तो आर एच विटेकर के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला किंगडम था दैट वॉज किंगडम मोनेरा। तो इसीलिए आज हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं अबाउट किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की अगर बात की जाए तो किंगडम मोनेरा के अंदर आपके पास इंक्लूड होते हैं बैक्टीरिया। मतलब हम किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया की स्टडी करने वाले हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट किंगडम मोनेरा। आपने देखा था किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सभी इंक्लूड हैं। एंड किंगडम मोनेरा टर्म की अगर बात की जाए, तो ये टर्म दी थी साइंटिस्ट डॉटरी एंड एलन ने। बैक्टीरियाज दे वर द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन रेनी वाटर। बैक्टीरिया सबसे पहले रेनी वाटर यानी कि बारिश के पानी के अंदर ऑब्जर्व किए गए थे एंड इसके बाद ये ऑब्जर्व किए गए थे बाय द साइंटिस्ट लेवेनहॉक इन द ईयर 1675 इन टीथ स्कम। एंड टीथ स्कम के अंदर जब ये डिस्कवर किए गए तो इन्हें मोनेरा या फिर बैक्टीरिया नाम ना देते हुए एनिमल क्यूल की तरह से डिनोट किया गया। बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सोल मेंबर हैं, प्रमुख मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के। एंड ऑल्सो ये जो बैक्टीरिया है ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही ज्यादा नंबर के अंदर प्रेजेंट है एंड हर जगह मौजूद है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है इट इज वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब अगर मेन ग्रुप्स की बात की जाए प्रोकैरियोट्स के अंदर तो प्रोकैरियोट्स को या फिर किंगडम मोनेरा को फर्दर दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज आर्किबैक्टीरिया एंड नंबर टू इज यू बैक्टीरिया। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया की अगर बात की जाए, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं आर्की एंड बैक्टीरिया। एंड आर्की वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव। मतलब आर्किबैक्टीरिया के अंदर हमारे पास ऐसे बैक्टीरियाज आएंगे जो कि प्रिमिटिव है। सो इवोल्यूशनरी दे आर प्रिमिटिव बैक्टीरिया। दे वर द फर्स्ट टू बी बॉर्न ऑन आर प्लैनेट एंड दे आर प्रेजेंट नाउ आर डेज विद देयर प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। आर्किबैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं एंड ये बैक्टीरिया आज भी मौजूद हैं विद देयर प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। जैसे कैरेक्टर इनके पास पहले थे आज भी ये वही सिमिलर कैरेक्टर्स रखते हैं। इसी वजह से इन आर्की बैक्टीरिया को नाम दिया गया ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है। एंड आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्टली ऑब्लिगेट एन एरोब्स होते हैं।
मोस्टली, आपको याद रखना है मोस्टली अगर ज्यादातर बात की जाए तो आर्किबैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब ये केवल एनएरोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव कर सकते हैं। ऑब्लिगेट मतलब मैंडेटरी कंडीशन। एंड लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है आर्किबैक्टीरिया के अंदर, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जिन्हें अगर एनएरोबिक कंडीशन ना मिले तो उनके पास अदर ऑप्शन होता है कि वो एरोबिक कंडीशन के अंदर भी रह सकते हैं। एंड ऐसी कंडीशन को कहा जाता है फैकल्टेटिव एनएरोबिक कंडीशन। एंड इसके एग्जांपल्स हैं थर्मो एसिडोफाइल्स एंड हेलोफाइल्स। अब अगर हम बात करें आर्किबैक्टीरिया की सेल वॉल की, तो आर्किबैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह नहीं होती। नॉर्मल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, लेकिन आर्किबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन या फिर सूडो पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, एंड जो आर्किबैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज नॉट अ यूनिट मेम्ब्रेन, जबकि यू बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया, जितने भी ट्रू बैक्टीरिया हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है। तो यहां पे आपको यू बैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस भी पता चल गया एंड आपको ये भी पता चल गया कि आर्किबैक्टीरिया की सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। अब अगर बात की जाए आर्किबैक्टीरिया के ग्रुप्स की, तो आर्किबैक्टीरिया इंक्लूड्स दी फॉलोइंग मेन ग्रुप्स। दो मेन ग्रुप है आर्किबैक्टीरिया के हमारे पास। नंबर वन इज दी मेथेनोजेंस एंड नंबर टू इज दी हेलोफाइल्स। मेथेनोजेंस की अगर बात की जाती है तो मेथेनोजेंस मतलब मीथेन जनरेट करने वाले बैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर नोन एज दी मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस जो होते हैं, जो इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि CH4 गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये बैक्टीरिया मेथेनोजेंस, स्वाम्पी एरियाज या फिर मार्शी एरियाज की CO2 गैस को मीथेन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो मेथेनोजेंस के आपके पास दो एग्जाम्पल है, मेथेनोकोकस एंड मेथेनोमाइक्रोबियम। बहुत ही ज्यादा आसान है याद करने के लिए, मिथेन मिथेन आ रहा है आगे तो आपको याद रहेगा कि मेथेनोकोकस एंड मेथेनोमाइक्रोबियम मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं। सेकंड अगर बात की जाए तो आपके पास आता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब है जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि हाईली सेलाइन एरियाज में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस, ओके, जहां पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो ऐसे बैक्टीरियाज को कहा जाता है हेलोफाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया अगर इस वर्ड को ब्रेक किया जाए तो आपके पास दो वर्ड आते हैं, यू प्लस बैक्टीरिया। अब देखो यू मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। अभी अभी आपने देखा था यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। एंड जो यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है दैट इज अ यूनिट मेम्ब्रेन। ओके, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यू बैक्टीरिया के केस में। अब अगर यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आपके पास एक कैप्सूल होता है, देन सेल वॉल होती है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियम के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, पिलाए प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला मोटैलिटी प्रोवाइड कराती है, पिलाए पाइलस या फिर पिलाए से रिप्रोडक्शन में हेल्प होती है, साइटोप्लाज्म होता है एंड डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए बैक्टीरियल शेप्स की, तो बैक्टीरिया जितने भी प्रेजेंट है नेचर के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट शेप्स कैन बी राउंड, स्पाइरल,
ओके, विब्रियो शेप तो कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया की शेप्स होती हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कोकस शेप, ये राउंड शेप है, यहां पे आपको दिख रहा है डिप्लोकोकस, मतलब दो राउंड राउंड बैक्टीरिया एक साथ हैं यहाँ पे, डिप्लोकोकस, बैक्सिलोस, विब्रियोस, ओके, तो कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया की शेप्स होती हैं, बैक्टीरिया फ्लैजुलेटा। अब अगर बात की जाए बैक्टीरिया की, तो हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का मतलब क्या है, स्टेनिंग के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, नंबर वन ग्राम पॉजिटिव, नंबर टू ग्राम नेगेटिव। अब देखिए एक एक करके हम देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का मतलब क्या है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि पर्पल कलर को रिमेन रखते हैं इवन आफ्टर द ग्राम स्टेनिंग, इवन आफ्टर वॉशिंग विद द एल्कोहल, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि पर्पल कलर को रिटेन रख रहे हैं जब आप ग्राम स्टेनिंग के दौरान जब आप उन्हें वॉश कर देते हैं एल्कोहल से, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जबकि ऐसे बैक्टीरिया जो स्टेन को हटा देते हैं, जो स्टेन रिमूव कर देते हैं आफ्टर वॉशिंग विद एल्कोहल, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दैट इज सिंगल लेयर्ड, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है दैट इज बायलेयर्ड। पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव के अंदर दैट इज थिक, एंड इधर ग्राम नेगेटिव के अंदर लेयर जो होती है दैट इज थिन। अगर वॉल की बात की जाए, सेल वॉल की बात की जाए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, तो वो स्मूथ होती है एंड ग्राम नेगेटिव में वेवी सेल वॉल होती है। म्यूरिन कंटेंट इधर 70-80% होता है, यहां पे 10-20% होता है। बेसल बॉडीज में दो रिंग्स प्रेजेंट होती है दैट इज एस एंड एम, एंड इधर बेसल बॉडीज में चार रिंग्स प्रेजेंट होती है एल पी एस एंड एम। गाइस हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर फर्दर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जहां पे आपके ये सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे, बेसल बॉडी क्या होता है, राइबोसोम्स किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं। अभी एक जनरल ओवरव्यू है बैक्टीरिया के बारे में। अगर मीजोसोम्स की बात की जाए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रोमिनियंट मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर लेस प्रोमिनियंट मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, दिस इज टिकोइक एसिड, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। ये एसिड टिकोइक एसिड की मदद से हमें पता चल जाता है कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है एंड कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। ऑल्दो स्टेनिंग से भी पता चल जाता है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए टिकोइक एसिड किस टाइप के बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो काफी कम पैथोजेंस ग्राम पॉजिटिव ग्रुप से बिलोंग करते हैं एंड सबसे ज्यादा पैथोजेंस ग्राम नेगेटिव ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात की जाए तो एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिटीज, बैसिलस, एंड ग्राम नेगेटिव की एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गे एंड ई कोलाई। ओके, तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब अगर बैक्टीरिया के सिग्निफिकेंस की बात की जाए कि बैक्टीरिया का सिग्निफिकेंस है क्या, तो देखिए बैक्टीरिया का बहुत ही ज्यादा मेजर रोल है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया केवल हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट्स ही करते हैं, बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं डे टू डे की लाइफ के अंदर। जैसे कि आप जानते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बैक्टीरिया का मेजर रोल है। एंटीबायोटिक्स, जितनी भी एंटीबायोटिक्स है, सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, वो भी बैक्टीरिया से ही हमें मिली थी। एंजाइम्स की अगर बात की जाए, बैक्टीरिया जो होते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं।
जैसे कि लैक्टोबैसिलस कर्ड के अंदर आपके काम में आता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर दी इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजिशन की अगर बात की जाए तो बैक्टीरिया बहुत ही अच्छा डीकम्पोजर है, एंड बैक्टीरिया के साथ साथ फंगस भी बहुत अच्छा डीकम्पोजर है। रॉटिंग ऑफ फाइबर्स की अगर बात की जाए तो आपका क्लॉस्ट्रिडियम एंड ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट है। फ्लेवरिंग ऑफ टी एंड टबैको लीव्स के अंदर आपका बैक्टीरिया जो काम में आता है उसका नाम है बैसिलस, मेगाथीरियम एंड माइक्रोकोकस कंडिसेंस। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस था बैक्टीरिया का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, अब अगर हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स इन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर हम अगर यू बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस्ड O2 गैस ऑन आर अर्थ। साइनोबैक्टीरिया पहले ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने अर्थ के ऊपर O2 गैस का प्रोडक्शन किया था सबसे पहले। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड दे आर नोन एज फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम से हमें लग रहा है कि इस टाइप के बैक्टीरियाज जो होंगे, बीजीए जो होंगे, वो ब्लू ग्रीन कलर के होंगे हमेशा, लेकिन ये ट्रू नहीं है। एक एक्सेप्शन है बीजीए का, दैट इज ट्राइकोडेस्मियम, जो कि रेड कलर का बैक्टीरिया है, एंड द रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू दिस एल्गा और दिस बैक्टीरिया। ओके, अब अगर बात की जाए सम इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स इन यू बैक्टीरिया, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बीजीए और साइनोबैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो हमारे पास तीन मेजर टाइप के बैक्टीरिया आ जाते हैं। बीजीए, नंबर वन यूनिसेल्यूलर, एग्जाम्पल है स्पायरुलिना। आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। कोलोनियल बीजीए का एग्जाम्पल है एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस, एंड फिलामेंटस बीजीए का एग्जाम्पल है ऑसिलोटोरिया। ओके, तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स आपको रटे हुए होने चाहिए, यूनिसेल्यूलर का स्पायरुलिना, कोलोनियल का एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस, एंड फिलामेंटस का ऑसिलोटोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलामेंटस बीजीए। ओके, अब अगर बीजीए के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो द स्ट्रक्चर ऑफ बीजीए इज सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव यू बैक्टीरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला पॉइंट, कि जो स्ट्रक्चर होता है बीजीए का, दैट इज सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव यू बैक्टीरिया। एंड बीजीए आर सराउंडेड बाय अ म्यूसिलेजिनस मेम्ब्रेन और जिलेटिनस शीथ। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है बीजीए के अंदर, दैट इज हेट्रोसिस्ट। ये आपको याद रखना है, एंड म्यूसिलेजिनस शीथ होती है। अब हेट्रोसिस्ट क्या होता है? हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है इन बैक्टीरिया नॉस्टॉक एंड एनाबीना, और इस स्पेशल सेल को कहा जाता है हेट्रोसिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है सेल। अब सेकंड हमारे पास है माइकोप्लाज्मा। देखो, माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज PPLO, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड दूसरा इसका नाम है MLO, मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म। आपको माइकोप्लाज्मा के दोनों ही नाम याद रखने हैं, PPLO एंड MLO। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है, ये भी आपको याद रखना है, एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकता है, देयरफॉर दीज आर नोन एज फैकल्टेटिव एनएरोब्स। ऑल्सो दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट है, तो दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ऑल्दो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में भी रह सकता है। ओके गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर।
आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. आज हमने बेसिक किंगडम मोनेरा को डिस्कस किया था एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मोनेरा को थोड़ा फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच गाइज. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए.